और ये जो गैर कानूनी काम ये आज करने जा रहे हैं, मैं कहना आज इतिहास में काला दिन है कि पुलिस सारी इकट्ठी होके, एडमिनिस्ट्रेशन सारी इकट्ठी होके एक गांव को कुचलने आई है। ये बीजेपी की सरकार, ये आज उनका गवर्नर ही राज। ये सिंगू बॉर्डर दोबारा बनेगा, यहाँ किसान लड़ मरेंगे लेकिन जमीन नहीं लेने देंगे। हम परिंदों के हक में हैं। हम के असी थोड़े दिन पहला स्टेटमेंट दी, जो असी इन्हों का मंशा पढ़ी, असी एक स्टेटमेंट दी कि जेड़े लोगों की जमीन आ रही उन्होंने जमीन के बदले जमीन दो, और जे तुसी कंपनसेशन देनी है वो मौजूदा जो कानून बने है कि चार गुना मौजूदा जो रेट है उसके हिसाब से देना है। ये नहीं रहने देनी है, असी परिंदियों के हक च। ये परिंदे सरकार के बगैर असी देंदे दाना चारा, लोग अपने खेतों दी तानी आई सरकार। अज सरकार जिहड़ी अचानक सुती जागी है, असी कहने तुसी भरतपुर के हिसाब नाल बनाओ।
जलकर आए कोतवाल इनके सामने चाचे का नाम भी लिख रहा है, कापियां मेरे को भेज दी, दो फरके भेज दी। और इनके को एसडीएम साहब गया, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन गया, जबरदस्ती लोगों की मारिया, लोगों के कब्जे, लोगों की मालकी जमीन है उनके अब कब्जे किए गए हैं, और लोगों उधर कण कराई दी है, मुंजी भेज दी है, सारी परिवार कौड़ी है। सरकार ने धक्काशाही की है, मेरे बुजुर्ग ही मारिया, मेरी माँ ही मारे गया, किस वैसे ही मारे गया, जमीन सारी है गवर्नमेंट की, जमीन थोड़ी जमीन सारी है। मांग कर दियो जबरदस्ती कर रही है। जो सरपंच ने यहाँ पे कोर्ट में केस किया पूरी पंचायत के साथ,
उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड करे कोर्ट में। हम कह रहे हैं जो कोर्ट फैसला देगी कोर्ट के फैसले के हिसाब से हम एग्री हैं, लेकिन सरकार जो है इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने दबाव बना के हमारे यहाँ पे हमारी अंदर थाना गिरफ्तार दे सारे चलो लगा दुनिया ला। का मेरी जानकारी है, मेरे साथ ये सुपरिटेंडेंट पुलिस रमेश जी हैं, सब डिविजनल SDM साहब हैं, रामलाल शर्मा साहब कलेक्टर हैं, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बाकी कुछ पुलिस के ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ये जैसे मेरी मुझे जानकारी मिली कि 1981 में नोटिफाई हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया था, और उसके बाद 2017 में 408 कनाल्स लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हुई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आरएसपुरा जो है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन है, इन्होंने फाइनल अवार्ड जो है जनवरी 2021 में मुकम्मल करके वो फाइनल किया। फाइनल करने के बाद कुछ लोगों को ये था कि कुछ रेट्स के बारे में कुछ इशू था, तो वो रेफरेंस में ऑलरेडी कोर्ट में चले गया है। तो जो कंपनसेशन जो अवार्डेड अमाउंट है वो कोई 14 करोड़ के करीब बनता है, तो उसमें शायद 11 करोड़ 69 लाख रुपये ऑलरेडी कोर्ट में जमा हो चुका है, और उसमें जो भी आदेश होंगे और जो भी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, जो भी एक्ट है उसके मुताबिक जो बनता था वो कलेक्टर ने फाइनल किया हुआ है। उसके बाद जो उसमें अगर कहीं आदेश उच्च न्यायालय से भी आते हैं तो वो भी उसका भी होगा, बट क्योंकि काफ़ी देर से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, 40 साल से इसकी नोटिफिकेशन निकली थी, उसको डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ये, क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी आते हैं और ये बढ़ा हुआ था, तो इनको पोजिशन हैंडओवर करना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो आज जो है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके वार्डन साहब हैं ये जो अत्री साहब हैं, इनके साथ एक और ऑफिसर्स हैं, तो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस साथी मिलके हमने यहाँ आज पोजीशन इनको डिलीवर भी कर दी और साथ में इसकी फेंसिंग भी कर दी गई है, ताकि जैसे मुझे इनसे जानकारी मिली कि कह रहे हैं कि 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, जो 10 साल के लिए यूटिलाइज होगा, और जैसे आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर रैपिड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, खासकर बॉर्डर एरियाज में जैसे सुचेतगढ़ में BOP आउटपोस्ट खुला है और ये भी एक सर्किट है, लोग ऑलरेडी आना शुरू हुए हैं, तो जो ही जितना जल्दी ये मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का घराना वेटलैंड जिसको पॉपुलरली बोलते हैं, लोग यहाँ साइबेरिया और रशियन से आते हैं, बर्ड्स वगैरह उनको देखने आते हैं, तो लोकल इस इलाके की डेवलपमेंट भी होगी और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। थोड़ा सा लोगों में कुछ इग्नोरेंस थी कि भाई हमें ये होगा कुछ होगा, तो हमने इनको कन्विंस किया है, कोशिश की है, और जो भी इनके जायज़ मांग मुतालबात हैं वो ऑलरेडी फलेगी हैं, जो कुछ होंगे एक रूल में जो भी परमिसिबल होगा वो किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो है फास्टली इनका काम चलेगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, बिकॉज अगर 1981 में नोटिफाई हुआ था 40 साल हो गए थे, तो अब इनको ज़मीन मिल चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी उसको डेवलप करेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे, इस इलाके की तरक्की होगी और लोगों की बेटरमेंट भी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, तो यही हमारा कोई ज़्यादा नहीं है। हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे घराना वेटलैंड के लिए एरिया डिमार्केट किया गया था, उसकी एक्विजिशन प्रोसीडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई थी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो रिक्वायर्ड कंपनसेशन था वो भी हमने जमा करवा दिया, और इन्होंने आज पोजेशन के लिए हमें इंटीमेट किया था कि आज आपको फिजिकल पोजेशन घराना का दिया जाएगा, तो उसी के अगेंस्ट हमने आज इसको तारबंदी किया है जो डिमार्केटेड एरिया था। सर कितनी जगह की थी? 408 कनाल 17 मरले है ये जो टोटल एरिया डिमार्केट किया गया था, तो उसी को आज फेंस किया गया है। कैसा सरकार की तरफ से इनको कंपनसेशन दिया जाएगा? जो जी देखिए, कंपनसेशन तो डेफिनेटली दिया जाएगा, उसका अवार्ड बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमने पैसा जमा करवा दिया, कुछ पेंडेंसी है वो भी विद इन मंथ आई थिंक क्लियर हो जाएगी, तो अवार्ड तो डेफिनेटली मिलेगा लोगों को, और हमने जमा भी करवा दिया है, और एरिया को अब आगे इसका जो फर्दर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हमने इस साल के लिए प्रपोज की हैं। आज जरा कम होया पिंड पता नहीं है कि इन्होंने है माड़ा माड़ा किसी पता ही पुलिस ने करना होना लैंड बदी करनी है जगदम इन्हें मतलब कि 8 बजे सवेरे हमला करता जिस तरह पाकिस्तान ने हमला करना होंगे इस तरह हमला किया इन्हें आज 500-600 बंदा जवान जो फोर्स का पिंड चला गया पिंड के बंदे थोड़े 10-20 इकट्ठे हुए गल की है इन्होंने धक्के धोके मार के पर कुछ ने उधर धक्का मारिया किसी ने उधर धक्का मारिया जनानियां 5-7 आई उन्होंने धक्का मारिया तारबंदी शुरू कर दी एक दो बंदा बच्चे बोलने वाला उन्हें चुप के गड्डी फा के इतने लिया आता उसके बाद अस आए इतने असं इतने आए हैं तो अं पहले इतने बैठे हाँ फिर SDM दफ्तर भी गया उधर फिर चौंक च गया चौंक भी उन्हें डांगा मार के उन्हें नसा दता ये पुलिस की हालत है ये SDM की हालत है सारा काम SDM ने कराया जो जबरदस्ती कराया डिमांड अं चाहते हैं भाई जे साडा केस लगेगा कोर्ट के बिच
तो कोर्ट फिर फैसला देना, कोर्ट फिर सू पैसा दवाएगी या जमीन दवाएगी, कुछ ना कुछ हल सा करेगी। कोर्ट इन जान नहीं है जो साढ़े बारे नहीं सोचेगी, इन्हें उन्हें सोचने पहले ही साढ़े हमला करता। असी जी 47 के पहले उत्थे रह रहे, तकरीबन साढ़ी 4-5 पीढ़ी जी है ना, मतलब 200 साल हो गया उसे पहले रोटी खा रहे हैं, उत्थे साढ़े बच्चे पढ़ रहे हैं। उसे पहले तो असं मकान मकून बना के अपना टाइम पास करें, तो साड़ी और कोई नौकरी पेशा से बढ़ रही है बिल्कुल जीरो लाइन पर। तो साड़ी बहू भी पहली खुलते, असं की खाना पीना, असं तो बिल्कुल बेकार हो गए, बच्चे की करें सारे बेरोजगार हो जाएंगे। वो पहली सू सारा बाकी कुछ नहीं। जो हमारे विलेज गराना में जो वेटलैंड के ऊपर जो बहुत बड़ा इशू जो बना है, उसमें एक बहुत ही मतलब कि चेंजिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लाई गई है, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्ती फेंसिंग करने की कोशिश की, जो कि हाई कोर्ट में इन गरीबों का, इन किसानों का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी, और केस है वो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन इन्होंने डिमांड जो सिंपल किया कि जो हमारी ओनरशिप लैंड है, जो मिल्कियत लैंड है, उसका जो मुआवजा गवर्नमेंट दे रही है वो इनके मुताबिक दें। क्योंकि अगर आप 10 रुपए की चीज जो है उसको आप 1 रुपए देंगे, तो कौन सा ऐसा ऑनर या कौन सा ऐसा किसान जो है वो 1 रुपए लेने के लिए अपना वो है मजबूर होगा। लेकिन इसमें सरासर तानाशाही हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है और कोर्ट का तोहीन है इस चीज को लेके, जो आप देख सकते हैं। अगर कोर्ट में अगर केस चल रहा है हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस साहब आलोक अरादे, जो कि हमारे जस्टिस जनकराज कोतवाल जी हैं, अगर इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो इस केस के हैंडल करते हुए कोर्ट में केस चलते हो तब भी इन किसानों पे, इन लाचारों पे अत्याचार हो, तो कहाँ का जस्टिस है? ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसके चलते मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जैन के यूटी चेयरमैन सन्नी कांत चीफ, इनकी जो आवाज़ है दिल्ली तक लेके जाऊंगा। अगर एलजी साहब ना माने, मुझे विद इन 2-3 डेज उनसे मिलना है, अगर ना माने इनकी पूरी की पूरी डिमांड्स है हमारे विलेज घराना की, वो मैं दिल्ली तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे हम मुझे पीएम को चिट्ठी क्यों ना लिखनी पड़े वो भी मैं लिखूंगा। क्योंकि इंसाफ करना है तो बराबर का करिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब किसानों के लिए और जो हमारे मजलूम गांव के लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने के लिए बात करते हैं, लेकिन आज इनकी आवाज़ दबाई जा रही है, इनको मारा जा रहा है, इनको अपना रोड पे घसीटा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? वो कहाँ का इन गरीबों के इंसाफ है? इनकी वही खेती, वही रोजी रोटी, वहीं से बच्चों को पालना, अपना घर बनाना, सब कुछ इनका वहीं से है। जब वो जबरदस्ती गवर्नमेंट छीन लेगी तो ये किसके पास गुहार लगाने जाएंगे?